अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई चौपाटी की फेमस चना चाट, जिसको बहुत से लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा इसका टेस्ट होता है। आप इसको अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद। तो इसके लिए गाइस वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा कप ब्राउन चना यानी कि काला चना ले लिया था, ये आपको कोई भी किराने स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है पानी में, और ये इस तरीके का हो गया है। मैंने एक कप काला चना लिया था, और आप देख सकते हैं उसकी साइज़ इंक्रीज होकर ये चना इतना हो गया है। इसी चने को हम आगे यूज़ करेंगे। मैंने गैस पे अपना कुकर हीट होने के लिए रख दिया था, और उसके अंदर अपना जो मैंने सोक किया हुआ चना था वो ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐड कर देंगे इसमें हम पानी, ताकि हमारा जो चना है वो बॉयल हो सके। एक बड़े कप जितने चने के अंदर मैं 1 लीटर जितना पानी डालूंगी। पानी की क्वांटिटी भी मैटर करती है, इसलिए आप इन चीज़ों को नोट करें। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ताकि चने हमारे नमकीन हो जाए। बाकी का सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब हम हमारे कुकर को लॉक कर लेंगे और इसमें विसल्स आने देंगे, तब तक जब तक कि हमारे चने जो हैं वो गल जाएं। जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं तब तक हम हमारा मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है एक बोल में, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। 1 टीस्पून चाट मसाला इसके साथ ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सभी मसालों को अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम मसालों को ऐसे ही डायरेक्टली ऐड कर देंगे अपने चने के अंदर तो क्या है ना कि वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है उसके अंदर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे मसाले के अंदर वाटर ऐड करेंगे यानी कि पानी ऐड करेंगे, और इस हमारे मसाले को हम सोक कर लेंगे इस पानी के अंदर। इससे बहुत ही बढ़िया मसाले का टेस्ट इन्हांस हो जाता है। जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं उन सभी का टेस्ट इस पानी को ऐड करने से इन्हांस हो जाएगा। आपने नोट किया होगा जो भी चीज़ सोक की जाती है वो चीज़ फ़ायदेमंद हो जाती है ज़्यादा, तो बस यही इसका भी लॉजिक है। मसाला रेडी कर लिया है हमने, और अब हम एक अलग सेपरेट पैन के अंदर अपना ऑयल हीट होने के लिए रख देंगे। ऑयल की हीट हो जाने पर इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इससे एसिडिटी नहीं होती है, गैस प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। इसके क्रैकल हो जाने पर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच हींग और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि ये भुन जाए। सौते कर लिया है, और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना मसाला जो हमने सोक करके रखा था। इसको भी अच्छी तरीके से कंटिन्यूसली सौते करते हुए हमें भुन लेना है, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, ऊपर इस तरीके से तरी आ गई है इसकी। ऐसा ही आपको इसे भुन लेना है और रेडी कर लेना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम फ्लेम रखनी है, और उसी पे आपको इसी तरीके से इसको कंटिन्यूसली सौते करते हुए पकाना है। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है इस चाट का, इसे आप ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा, उन्हें बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे अपने बॉयल्ड चने। पूरे चने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपको इस बात को नोट करना है कि जो चना है ना वो पूरी तरीके से आपको गला लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए ऐसा हो जाना चाहिए आपका चना, ऐसा गलेगा तभी आपका ये जो चाट है बहुत ही बढ़िया टेस्ट में होगा। इसे भी हम अब कंटिन्यूसली चलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे।
ऐसे पका लेने के बाद ये देखिए ये रेडी हो गया है हमारा चना। अब हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। मैंने अपने सेपरेट बोल में अपने चने को डिश आउट कर लिया है। अब बारी है इसकी ऊपर से गार्निशिंग की एज अ चाट। एक बोल मैंने टमाटर लिए हैं जिनको इस तरीके से मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। इसके साथ लेंगे हम प्याज जिसको मैंने इस तरीके से रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। आलू लिए हैं मैंने बॉइल्ड करके और उनको इस तरीके से कट करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने हाफ बोल कुकुम्बर लिया है यानी कि ककड़ी जिसको पील ऑफ करके इस तरीके से रफली चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा आप कोई और वेजिटेबल भी अगर ऐड करना चाहते हैं चॉप करके तो वो भी कर सकते हैं। इसी में ऐड कर देंगे हम 1/4 बोल कैरी यानी कि रॉ मैंगो। मैंने पील ऑफ करके उसको भी इस तरीके से स्मॉल पीसेस में कट करके मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में कोरिएंडर लीव्स भी डाली है मैंने। बिल्कुल परफेक्ट चौपाटी वाली चाट बनने वाली है आपकी। बस इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें आप स्क्वीज़ कर देंगे हम हाफ लेमन और बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अब बस हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये इवन मिक्सचर हो जाए चाट का। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, एक्चुअली कुछ ऑब्स्टिकल आ गई थी। बट नाउ आई प्रोमिस एवरी वीक मैं ट्वाइस वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। एंड आई होप आप लोग मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए और आपके चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ही इतनी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं इसे सर्विंग बोल में सर्व कर रही हूँ। मज़ेदार सी चौपाटी की चाट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं स्कूल में, वो बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। साथ ही अगर आपके मेहमान भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो पूछ कर ही जाएंगे कि आखिर ये रेसिपी आपने बनाई कैसी है। बहुत ही लवली सी चाट है ये। आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से नायलॉन सेव के साथ जो बारीक सेव आती है, और सर्व कीजिए इसे ग्रीन चिलीज़ के साथ डेकोरेट करके इस तरीके से और लेमन के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी एंड यमी सी रेसिपी है, इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो गाइज, मैं फिर मिलूँगी आपको एक न्यू रेसिपी के साथ दिस वीक अगेन। टिल देन स्टे ट्यून और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।